ये सब देख के आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं आज आपको 5 तरीके की आइसक्रीम बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दी हूँ, मैं एक एक करके आपको बताती रहूँगी, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। और हम लोग पहले अपने आइसक्रीम का प्रीमिक्स बनाते हैं, ये कुछ नया वर्ड आपको शायद लग। तो आइए गाइस हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मैं क्या हम लोग क्या करेंगे। तो सारी चीज़ों को मैं साइड कर देती हूँ और पहले हम लोग एक मिक्सिंग जार ले लेंगे और उसमें मैं और इस मिक्सिंग जार में मैं पहले थोड़ी सी मैं मलाई डाल रही हूँ। मलाई एकदम एक्सेप्शनल है, आप चाहें तो मलाई डाल सकते हैं, और अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप फुल क्रीम दूध, जैसे कि मैं ये देखिए 1 ग्लास फुल क्रीम दूध ले रही हूँ, और इसको इसमें हम लोग डाल देंगे। और इधर मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी ली है, ये हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और हम लोग इसको अच्छी तरीके से। इधर मैंने कस्टर्ड में थोड़ा सा ठंडा दूध मिला दिया है और इसको हम लोग एक घोल बना के साइड कर देंगे। और इसके बाद हम लोग पैन में थोड़ा सा दूध चढ़ाएंगे और गर्म होने के बाद हम लोग उसमें कस्टर्ड डालेंगे। गाइस हमारा जो मैंने एक पैन में दूध चढ़ा दिया है, मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है क्योंकि प्रीमिक्स में मैंने चीनी डाली हुई है। इसमें हम लोग थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर जो हमने कटोरी में मिलाया हुआ था उसको डालेंगे और इसको हल्का सा चला देंगे। इसके थिक होने का हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट। जैसे ये थिक होने लगेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये थिक होना स्टार्ट कर दिया है, बस 5 मिनट बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए हम लोग इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। गाइस हमारा जो प्रीमिक्स है वो मेरा रेडी हो गया है। अब हम लोग एक बाउल ले लेंगे, ये देखिए गाइस मैं थोड़ा सा प्रीमिक्स इसमें डाल रही हूँ, एक स्पून की मदद से आप डालिएगा इसको। आप पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से ताकि चीनी जो है वो नीचे बैठी ना हो। और इसमें हम लोग थोड़ा सा प्रीमिक्स डालेंगे, मतलब इसका 1/4, क्योंकि हमने 1/5 सॉरी, क्योंकि हम लोग 5 बना रहे हैं तो हम लोग 1/5 पार्ट निकालेंगे। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कीवी आइसक्रीम से। देखिए मैंने यहाँ कीवी कट करके रखी हुई है, इस कीवी में को हम लोग 2 पीस हम लोग इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए गाइस मैंने कीवी को इसमें डाल के ब्लेंड कर लिया है। अब हम लोग इसमें अपना जो बैटर है वो डालेंगे। मैंने एक ये जार लिया हुआ है, ये जार में हम लोग थोड़ी सी कीवी मैंने कट करके डाली ताकि हम लोग जब कीवी की आइसक्रीम हम लोग खाएं तो ये हमें बीच बीच में जो आइसक्रीम के ये जो इसके पल्स का पल्प है वो आए तो बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैं इसके ऊपर ऊपर भी डाल देती हूँ। और बस ये हमारी पहली आइसक्रीम रेडी हो गई है, अब हम लोग इसको कवर अप कर देंगे और इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे। हाँ तो गाइज़ अब हम लोग अपनी नेक्स्ट जो हमारी कीवी वाली आइसक्रीम है देख लेते हैं। ये देखिए ये भी जम गई है, अब हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप इसको चम्मच से भी निकाल सकते हैं, मैंने एक नाइफ़ ली हुई है, नाइफ़ की सहायता से ये देखिए बीच में हम लोग इसको पिक करेंगे। और अगर आपके पास कोई स्पून हो इस तरीके का तो आप उसको डाल के इसको घुमाएँगे। ये देखिए गाइज इस तरीके से आप इसको एक स्पून की सहायता से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी कीवी की आइसक्रीम एकदम रेडी है। आइए मैं इसको सर्व करना बता देती हूँ। ये देखिए गाइज मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट किया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग न्यूट्रिला वाली आइसक्रीम कैसे बनाएंगे। मैंने ये देखिए 1/5 पार्ट ले लिया है जैसे कि मैं आपको बता रही थी। अब हम लोग इसमें 2 चम्मच न्यूट्रिला डालेंगे। देखिए आपके पास किसी भी कंपनी का न्यूट्रिला हो आप डाल सकते हैं, मैं टार्ट कंपनी का हेज़लनट ब्रेड स्प्रेड है मेरे पास, मैं वो डाल रही हूँ। 2 चम्मच इसमें बस लगेंगे बस, और अब हम लोग उसको ब्लेंड कर लेंगे। गाइस ये चॉकलेट वाला भी रेडी हो गया है तो हम लोग इसको एक जार में डाल लेंगे। और आपके पास अगर चोको चिप्स हो तो आप वो भी ऊपर से डाल सकते हैं ताकि ये आप जब भी इसको खाएँ इसको भी साइड कर। हाँ तो गाइज इधर आप देख सकते हैं कि ये हमारी चॉकलेट आइसक्रीम एकदम रेडी हो गई है। ये देखिए आइए हम लोग इसको सर्व करते हैं, आप एक नाइफ की सहायता से। अब ये देखिए गाइज इसको मैं 5 मिनट हो गए हैं, अब एक नाइफ की मदद से आप इसको साइड से इस तरीके से कर लेंगे। ये देखिए कि पूरी सर्कल हो रही है। 5 मिनट इसलिए मैं कहती हूँ बाहर रखने के लिए ताकि ये अच्छे से निकल जाए। अब आप इसको बीच में एक हम लोग प्रिक कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए, और ये आराम से बाहर आ जाएगी। ये देखिए
जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम एकदम रेडी है, ये देखिए। और नाइफ को हम लोग निकाल के स्पून लगा, अब देखिए गाइज ये हमारी देखिए गाइज, अब हम लोग इसको गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने थोड़ा सा न्यूट्रीला लिया हुआ है, इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा इसमें न्यूट्रीला और इसको थोड़े से चॉकलेट चिप्स के साथ हम लोग इसको गार्निश कर देंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। के लिए हम लोग जैसे कि मैं इसमें 1/3 पार्ट डाल, ये देखिए मैंने जार में ले लिया है। अब हम लोग इसमें हमारी जो केसर पिस्ता बादाम वाली जो बर्फ़ी है, कुल्फ़ी जिसको आप लोग कहते हैं, तो मैं इसमें 2 बर्फियाँ डाल रही हूँ ताकि ये मेवे का जो मावा होता है उसका आपको वो करे, जो टेस्ट लाए। ये देखिए थोड़े से काजू कट करके रखे हैं मैंने, थोड़ा से बादाम, इसको हम लोग डालेंगे। चीनी इसमें पहले से ही है तो इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग अब इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। और ये ब्लेंड कर लिया मैंने, अब हम लोग इसमें डालेंगे। ये देखिए हमारी कुल्फी रेडी है। थोड़े से नट्स आप बीच में भी इसमें स्प्रेड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी मटका कुल्फी भी रेडी हो गई है। थोड़े से बादाम हम लोग इसके ऊपर से स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से, ताकि ये खाने में और भी टेस्टी लगे। और अब हम लोग इसको भी साइड कर देंगे। देखिए गाइज हमारी मटका कुल्फी एकदम रेडी हो गई है, आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसको 5 मिनट पहले ही फ्रिज से निकाला है। अब हम लोग इसको, क्योंकि ये मटका कुल्फी है तो इसको आपको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको ऐसे ही मतलब आप खा सकते हैं। अब बस मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ। इधर मैंने थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम से इसको मैं गार्निश कर देती हूँ। आप काजू भी डाल सकते हैं आपके पास जो भी, वैसे तो इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। तो बस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। ये देखिए गाइज मैंने दूध और थोड़ा कस्टर्ड इसमें डाला है। इसमें हम लोग थोड़ी सी चीनी और ऐड करेंगे क्योंकि कस्टर्ड में चीनी थोड़ी कम होती है, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ी सी हाफ चम्मच इसमें हम लोग चीनी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। आप चाहिए तो आप, ये एकदम एक्सेप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब हम लोग इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए गाइज हमारा मिक्सर एकदम रेडी है। अब हम लोग इसको एक पैन में, एक कोई बॉक्स हो आपके पास आप उसमें डाल सकते हैं, थोड़ी टूटी फूटी आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ी सी टूटी फूटी ली है, तो ये जब भी खाएंगे आप तो इसके बीच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बंद करके हम लोग इसको 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप इसको रात में बना रहे हैं तो ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। गाइज ये हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम है, मैंने इसको 5 मिनट पहले ही निकाला है। और ये जो 2 बाउल हैं, ये 2 बाउल मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम लोग अपनी आइसक्रीम को निकाल लेंगे। अगर आपके पास स्कूप नहीं हो तो आप इस तरीके के स्पून से भी इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए गाइज इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये देखिए गाइज मैंने निकाल लिया है। अब हम लोग इसको, कुछ चेरीज हैं आपके पास, देखिए मैंने जो चेरीज डाली थी आप आइसक्रीम में देख भी पा रहे होंगे। अब हम लोग थोड़ी सी चेरीज से इसको डेकोरेट कर देंगे और थोड़ा सा हम लोग इसको नट से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर पिस्ता हो और अगर बादाम हो, काजू हो, तो आप उससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं थोड़े थोड़े सारी चीज़ें इसमें वो कर रही हूँ क्योंकि ये कस्टर्ड की है तो बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से आप इसमें काजू और थोड़े से बादाम से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। बस हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।